सभी को नमस्कार मेरा। आइए स्टार्ट करते हैं आज से अपना टॉपिक नाइट्रीन। जैसा कि हम पूरी की पूरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कार्बोकटाइन, कार्बनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, उस टॉपिक का नाम है नाइट्रीन। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू नेम रिएक्शन। कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो इसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट पे बेस्ड रही होती है, तो आपको वो नेम रिएक्शन आने से पहले इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास वही बेसिक फंडा, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इसके क्या रहा होगा, होता क्या है नाइट्रीन। एक्चुअली नाइट्रीन एक सिमिलर टू कार्बिन रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ कार्बिन होता है। जिस तरीके से आपने कार्बिन को जाना है, तो उसी तरीके से आप अगर देख पा रहे हो तो यही हमारे पास नाइट्रीन का स्ट्रक्चर रहा होता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यहां पर बतानी है, यह क्या है, लेस स्टेबल देन कार्बिन रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यही बतानी है कि लेस स्टेबल देन कार्बिन रहा होता है, और वो रीजन होता है ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर रिपल्शन रहा होगा ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रिपल्शन हो पा रहा होगा, इसलिए नाइट्रीन हमारे पास लेस स्टेबल होता है देन कार्बिन। ये हमारे पास सारी बातें हो गई हैं। अब एक एक करके हम सारी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन की। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन कहां कहां पे कैसे कैसे हो पा रहा होगा। देखिए, अगर मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि ऑलवेज जो हमारे पास क्या रहा होता है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, कि जब भी हमारे पास कोई इनर्ट सॉल्वेंट या इनर्ट गैस रही होती है, N2, CH3F8, CCl4, है ना, CH2, ये सारे के सारे प्लेस में हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन फॉर्मेशन होती है, और बाकी अगर ये ना रहा हो नॉर्मल सॉल्वेंट के केस में हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन फॉर्म हो रही होती है। सॉरी, मैंने कार्बिन बोला, सिंगलेट नाइट्रीन फॉर्म हो रही होती है। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन कब फॉर्म हो रही होगी, जल्दी बताइए एक बार। ट्रिपलेट नाइट्रीन फॉर्म हो रही होगी हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट के केस में, अगर आपको कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट दिख जाए, C3F8 टाइप का, N2CH2CCl4 इनर्ट गैस दिख जाए, तो वहां पर ट्रिपलेट नाइट्रीन फॉर्म होगी, और अगर ये ना हो तो वहां पर सिंगलेट नाइट्रीन फॉर्म हो रही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन में जो पहला पार्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल एजाइड। देखिए, अगर मैं आपको एल्काइल एजाइड से समझाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास होता क्या है, R एंड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास यह एल्काइल एजाइड रहा होता है। जब इसका आप फोटोलिसिस या फिर थर्मोलिसिस कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, वही जो काम आप वहां पर कार्बिन में करते थे, वैसा ही काम आप यहां पर कर पा रहे होंगे, और यहां पर एक लोन पेयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहा होगा। अब होता क्या है, इसकी वजह से यहां पर हमारे पास क्या रहा होगा, एन नेगेटिव, और यहां पर हमारे पास क्या रहा होगा, पॉजिटिव, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एन। और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है, N2 एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो जो कि ये बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहां पर हमें न्यूट्रल मिल रहा होगा। तो यह है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन हो जाता है फ्रॉम एल्काइल एजाइड। क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बी पार्ट की बात करता हूं, वो है फ्रॉम एसाइल एजाइड, वो है फ्रॉम एसाइल एजाइड। अगर मैं आपसे एसाइल एजाइड की बात करता हूं, तो यहां पर क्या रहा होगा हमारे पास, यहां पर रहा होगा R, C डबल बॉन्ड O, फिर दोबारा से हमारे पास N3। अगर ये N3 है, तो आप समझ जाना यहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहा होगा। क्या आप सारा का सारा काम कर पाओगे इसी तरीके से? मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को भी मौका दो, अपने आप को भी एरो घुमाने के चांस दो, ताकि आप ऑर्डिनरी केमिस्ट्री सीख सको। तो मैं यहां पर इसको खोल के नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं यह मान के चलूंगा कि आप इसको आराम से इसको इस तरीके से खोल के लिखोगे, फिर एरो चलाओगे, और फिर हमारे पास जो यहां पर फॉर्मेशन होगा, वो यहां पर कुछ इस तरीके से इस नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, यह जो नाइट्रीन फॉर्म हुआ है, यह कोई ऐसी वैसी नाइट्रीन नहीं है, यह एक अल्फा कीटो नाइट्रीन है। अल्फा कीटो नाइट्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास। और जैसा कि आपने अल्फा कीटो कार्बिन पढ़ा था कि वो वुल्फ रीअरेंजमेंट शो करता है, उसी तरीके से अल्फा कीटो नाइट्रीन भी हमारे पास वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप कुछ शो कर रहा होता है। ये हमारे पास दो हो गए मेथड। अब तीसरे मेथड की तरफ अगर मैं आपके पास बढ़ता हूं, तो तीसरा मेथड है
हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा मिसलिनियस टाइप का है, ArNO2। अगर हमारे पास यहाँ पर Pr3 एज अ रिएजेंट है तो यहाँ पर हमें फॉर्मेशन होता है ArN कुछ इस तरीके से। क्या समझ पा रहे हो? इसको जस्ट रटना है, जस्ट ये समझाने के लिए कि हाँ कुछ फालतू चीजें हमें मिल पा रही हैं। ये इसमें कोई इसका मैकेनिज्म कुछ नहीं ढूंढना, बस आपको यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ArNO2 से अगर Pr3 लिखा हो तो हमारे पास नाइट्रिन फॉर्मेशन हो पा रही होगी। अब जो फोर्थ बात है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फोर्थ है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपने 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से रटा होगा बोर्ड के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब वहां पर हमारे पास जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट रहा होता है वो नाइट्रिन रहा होता है। एक क्वेश्चन तो एज इट इज यहां से यही बन जाता है कि बताइए हॉफमैन ब्रोमाइड में कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट रहा होता है, तो वह रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारे पास नाइट्रिन रहा होता है। और अगर मैं आपको समझाऊं यहां पर, तो ये RC(OH)2 और यहां पर हमारे पास रहा होता है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमारे पास यहाँ पर RNH2 मिल रहा होता है। अगर इस हॉफमैन ब्रोमाइड का मैं एकदम आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म समझाऊं, तो उस डिटेल्ड मैकेनिज्म में आपको वहां पर नाइट्रिन दिखाई दे रही होगी बीच में फॉर्मेशन में। तो अगर मैं आपको इसके डिटेल्ड ओवरव्यू की बात करता हूँ हॉफमैन ब्रोमाइड की, तो उसको एकदम अच्छे से समझिएगा, अच्छे से जानिएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया से आने चाहिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को मैं नेम रिएक्शन में यूज़ करूँगा जब आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊँगा बहुत सारी अच्छे से डिटेल में बहुत बढ़िया से। तो यही हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट रहे होंगे। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ हमारे पास कि हॉफमैन ब्रोमाइड हमारे पास इसका मैकेनिज्म हमारे पास क्या रहा होगा, तो देखना स्टार्ट करिए। मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड, मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगर आपको यहाँ पर मैकेनिज्म समझाऊं और मैकेनिज्म सिखाऊं, तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म हमारे पास रहा होता है। इस चीज को एकदम अच्छे से समझिएगा कि हमारे पास होता क्या है, RC(OH)2 इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले आपके लेते हो OH- जो वहाँ पर आपने NOH लिया था, उस OH- से यहाँ पर आप इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लोगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा RC(OH)-। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, आप ब्रोमीन का इंट्रोडक्शन कर दोगे Br2 का, तो Br2, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं ताकि अटैंगमेंट का बढ़ावा दे सके, तो ये इस तरीके से रिएक्शंस हो पा रही होंगी। जब आप ऐसा कर पा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन आ रहा होगा RC(OH)Br। क्या आप समझ पा रहे हो? अगले स्टेप में फिर हमारे पास यहाँ से बेस आएगा OH- इस तरीके से, और क्या करेगा, इस H+ को भगा ले जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RC(OH)-, और यहाँ पर Br। देखिए फील आ रहा होगा पूरा का पूरा, जब भी आपके पास यहाँ पर क्या रहा होगा, ये N नेगेटिव और यहाँ पर जस्ट बगल में लिविंग ग्रुप होगा, तो जस्ट ये लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Br हमें पता है एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपको पता ही है ये जो नाइट्रिन है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक अल्फा कीटो नाइट्रिन रही होगी, यह एक अल्फा कीटो नाइट्रिन रही होगी, और इसमें वुल्फ रिएजमेंट टाइप हो सकता है, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करिए उसी समय साइमल्टेनियसली ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा होगा RN(C)(O), इसको आप लोग बोलते हो आइसोसाइनेट। क्या चमका, क्या आपको एकदम अच्छे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ? अगर आपने कार्बिन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तो इस टॉपिक में तो कुछ आपको करना ही नहीं है, बस मेरे को देखते हुए पेन चलाते जाना है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर वाटर का एडिशन करना है H2O। अब आपसे बोलूँ वाटर का एडिशन करना है तो आप कहाँ पर एडिशन करेंगे, आप खुद देखिए यार, सारा का सारा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटर, यहाँ पर ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, तो अटैक करके आपको क्या मिल रहा होगा, R यहाँ पर N(C)(OH) और यहाँ पर H और यहाँ पर O पॉजिटिव। जैसे ही अटैक करोगे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्दर मिल रहा होगा RNCO- और यहाँ पर OH और OH। क्या समझ पा रहे हो? और यहाँ पर पॉजिटिव क्योंकि प्रोटोनेटेड रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी अपनी एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाता है अपनी बैलेंसी से, तो हमेशा उस पर पॉजिटिव आ रहा होता है। अब यह दोबारा O- रेजोनेंस में यहाँ जाएगा, इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, RN(CO)H(H)+ और यहाँ पर OH। क्या समझ पा रहे हो? अब मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास किसी
नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो वह पागल हो जाता है, अजीब अजीब से काम करने लगता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो यहाँ से यह H+ निकालना जाएगा, तो ये नेगेटिव करेगा, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन कर रहा होगा, तो हमारे पास कुछ जो आंसर आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और लास्ट सिस्टम में हल्की सी हीटिंग करने पे, हल्की सी हीटिंग करने पे ही CO2 हमारा ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा RNH2। तो यह पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको हॉफमैन ब्रोमाइड का सिखा दिया है, क्या आप समझ पा रहे हो? एकदम अच्छे समझ पा रहे हो। सबसे पहले एक एक करके स्टेप को आप एनालाइज करिए, फील करिए कि कब मैं कहाँ पे क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, ये हमारे पास सब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, बहुत अच्छे सीखा। अब आइए हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। देखिए अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन समझाऊं तो बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलिएगा। हमारे पास आपको पता है दो तरह की नाइट्रीन होती है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन और एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। अगर मैं आपको सिंगलेट नाइट्रीन समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन का जो स्ट्रक्चर रहा होता है वह कुछ इस प्रकार, जो हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर रहा होता है उसको मैं कुछ इस प्रकार डैश वैज की कॉन्सेप्ट से समझा सकता हूं। यहां पर एक लोन पेयर जो नाइट्रीन पर ऑलरेडी मौजूद होता है और यहां पर हमारे पास एक दूसरा लोन पेयर, क्या समझ पा रहे हो? इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, इसका वैकेंट पेयर ओटल एक रहा होगा इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर मैं यहां पर बात करता हूं आर एन और यहां पर बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम आ रहा होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां, और यहां पर हमारे पास वेज पे रहा होगा इसका एक लोन पेयर। तो यह हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट नाइट्रीन और यह हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रीन। और मैं आपको अगर राज की बात बताऊं तो सिंगलेट नाइट्रीन आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, ये राज की बात तो आपको पहले से पता भी थी, स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर एंड, और यह जो होती है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव होता क्या है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब सिस है तो सिस प्लस ट्रांस और ट्रांस है तो सिस प्लस ट्रांस, मतलब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहा हुआ है। एक नोट में बात बताता हूं, 99% केसेस में हमारे पास, 99% जो केसेस होते हैं उनमें हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन का फॉर्मेशन रहा होता है, सिंगलेट नाइट्रीन का फॉर्मेशन रहा होता है, जिसकी वजह से यहां पर ऑलवेज हम स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर देखते हैं, कभी भी स्टीरियो सेलेक्टिव की बात बहुत कम कर पा रहे होंगे। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इतनी बातें हमने एकदम अच्छे से सीख ली। सबसे पहले हमने सीखा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, फिर हमने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। अब आइए मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह पार्ट हमारे पास क्या रहा होगा? वह पार्ट है हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास इस टॉपिक का। देखिए अगर मैं आपसे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन की बात करता हूं तो सबसे पहले तो मैं आपको वही पूछूंगा कि वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप, जब हमारे पास अल्फा कीटो नाइट्रीन होगी तो अल्फा कीटो नाइट्रीन में कुछ वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप की चीज होती है। देखिए वुल्फ रीअरेंजमेंट जो नाम है वह बेसिकली कार्बिन को दिया गया है, वुल्फ रीअरेंजमेंट जो नाम है वह बेसिकली कार्बिन को दिया है, नाइट्रीन को नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप का पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट हमारे पास रहा होगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन, जिसमें हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप। मैं बोल रहा हूँ फिर से, वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप का कुछ हो रहा होगा कहाँ पे? अल्फा कीटो नाइट्रीन पे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह नाइट्रीन फॉर्म कर ली है, अब कुछ नहीं होना, आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाइए तो अल्काइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा साइमल्टेनियसली। यह एक कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा होगा रीअरेंजमेंट जो है, यह एक कंसर्टेड मैकेनिज्म थ्रू हो रहा होगा, यह एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है जहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रिटेन रही होती है, सारी बातें यहां पर फॉलो हो रही होंगी। फिर ये आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो बस। अब आपको इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आइसोसाइनेट किस तरह की रिएक्शन दिखाता है तो मैं आपको बताता हूं। यह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और यहां पर यह पॉजिटिव सेंटर है तो यह भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप्स दिखा रहा होता है, यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप दिखा रहा होता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से हॉफमैन ब्रोमाइड में इसके साथ रिएक्शन दिखाई थी वाटर की, जहां पे आप समझ पा रहे हो किस तरीके से रिएक्शन हो पा रही है, लेकिन मैं एक हल्का सा आपके लिए
फ्लो चार्ट बना देता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, आइसोसाइनेट है। अगर मैं यहाँ पर H2 लेकर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फिर अगले ही पार्ट में ROH लेके आता हूँ, फिर मैं यहाँ पर NH3 लेके आता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर RNHR लेके आता हूँ। अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से आपने किटीन में पढ़ा था कि यहाँ पर आप इस जगह पर आप नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट चिपकाइए, इस जगह पे आप नेगेटिव पार्ट चिपकाइए और इस जगह पे आप पॉजिटिव पार्ट चिपकाइए, क्या आप समझ पा रहे हैं, इस जगह पे आप N पे पॉजिटिव पार्ट चिपकाइए इस डबल बॉन्ड को हटा के, इस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, मैकेनिज्म तो आप करते रहे ना घर बैठ के, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस कार्बन पे आप नेगेटिव पार्ट क्यों चिपकाएंगे, क्योंकि यहां पॉजिटिव रहा होगा और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव रहा होगा, जिसपे पॉजिटिव पार्ट आएगा डबल बॉन्ड हट जाएगा। जब आप मैकेनिज्म देख रहे होंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो अब आंसर करने की बारी आ गई है कि आर एन एच, क्योंकि आपने एच चिपका दिया पॉजिटिव पार्ट इस वाले पार्ट पे, तो सी डबल बॉन्ड ओ OH, बस इस वाले केस में यहां से CO2 बाहर निकाल देते हैं, RNH2 का फॉर्म हो जाता है। इस वाले केस में क्या रहा होगा, RNH C डबल बॉन्ड ओ आर, क्योंकि इस वाले में हमारे पास जो ROH है जिसमें से ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट आपको एकदम अच्छे से देखना आ रहा है, उसी तरीके से NH3 में हमारे पास ये NH2 और H करके टूट रहा होगा, तो यहां पर आ जाएगा RNH C डबल बॉन्ड ओ NH2। इस तरीके से आप सारी की सारी कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो, RNH C डबल बॉन्ड O NH R। अब आप आइसोसाइनेट के भी कुछ रिएक्शन समझ गए हो, कुछ रिएक्शन जान गए हो। मैं चाहता हूं आप इन सभी रिएक्शंस के खुद अपने आप मैकेनिज्म करो, खुद अपने आप फील करो, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। बढ़ना बहुत दिक्कत होगी अगर आप एरो चलाने से डरोगे, अगर आप सोचोगे नहीं यार एरो वैरो चलाने से मुझे समझ में नहीं आएगा, इसी शॉर्ट ट्रिक से समझ लेंगे, तो आप एकदम गलत हो, आप बहुत ही गलतियां कर रहे हो। आप भले ही इस समय आप एरो से दूर भाग रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपको एरो से सामना करना पड़ेगा, एरो से मुकाबला करना पड़ेगा, जहां पे आपको वहां पे एरो चलानी आनी चाहिए। तो क्यों ना वो अभी से हम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिसकी वजह से एरो चलाने में हमारे एकदम आसानी हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना रही हो। तो आप इन्हीं सब की क्या करना, मैकेनिज्म्स करके देखना, तो आपको अलग ही मजा आएगा, आप अलग ही दुनिया में फील करोगे कि एटलीस्ट हम एरो चलाना तो सीख गए, कम से कम कहां पे क्या सही हो रहा है, कहां पे क्या गलत हो रहा है, इस चीज को सीख गए। बस एक बात याद रखना, CO2 बाहर निकलेगा हीट करने में, बाकी यहां से ये कोई भी चीज यहां से बाहर इसका CO2 बाहर मत निकालना, फिर बता रहा हूं मत निकालना, बस इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपको सिर्फ याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर अगर बी वाले पार्ट की बात करता हूं, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं इंसर्शन रिएक्शन इन एल्कीन, इंसर्शन रिएक्शन इन एल्कीन। तो इंसर्शन रिएक्शन इन एल्कीन आपको बताया था कि अगर आपके पास सिंगलेट का आरबीन है तो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, कि मान लीजिए ये है हमारे पास कुछ इस तरीके से H, ये हमारे पास कुछ रही है एल्कीन, और मैं इसके सामने लेता हूँ N3COOET। अब आपको पता है N3COOET, आप इससे आराम से नाइट्रीन फॉर्म कर सकते हो, आप खुद कर लेना ट्राई एक बार नाइट्रीन फॉर्म करने की, फिर COET, ये आपके पास नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब कुछ मत करिए, जिस तरीके से आपने कार्बीन में इंसर्ट कराया था उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इंसर्ट करा दीजिए, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रहा होगा, बस यहाँ पर हल्का सा मुखड़ा चेंज हो गया है, हल्की सी तस्वीर बदल गई है, क्या आप समझ पा रहे हो, बाकी कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा एज इट इज रहा होगा। अब मैं अगर आपसे थर्ड पार्ट की बात करता हूं, सी पार्ट की बात करता हूं, इंसर्शन इन बेंजीन, इंसर्शन इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर किस तरीके से हमारे पास इंसर्शन रहा होता है, इस चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं, तो ये हमारे पास यहां पर बेंजीन रहा है कुछ इस तरीके से, और यहां पर मैं ले लेता हूं इस तरीके से हमारे पास नाइट्रीन, या फिर मैं यहाँ पर सीधा आर ग्रुप ले लेता हूँ। अगर आपने ये नाइट्रीन लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ इंसर्ट हो जाएगा, जिससे एल्काइन में आपने सीखा हुआ है, तो आपके पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिलके आ रहा होगा, क्या आप समझ पा रहे हो, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलके आ रहा होगा। अगर आपने ऐसा कर पाया है, तो अब आप फील करिएगा कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास यहाँ पर कोप रीअरेंजमेंट की हो सकती है, क्या बोला मैंने,
कोप रीअरेंजमेंट। तो कोप रीअरेंजमेंट होता क्या है, ये थ्री मेंबर रिंग क्या है, अनस्टेबल है, जिसकी वजह से यह बॉन्ड यहाँ टूटना चाहेगी और यह रेजोनेंस करके कुछ ऐसा होना चाहेगी और हमारे पास एक सेवन मेंबर रिंग चमकती हुई दिखाई दे रही होगी। इसी चीज को हम लोग कोप रीअरेंजमेंट बोलते हैं, जिसको मैं आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा और समझाऊंगा। यह जो कारनामा हुआ है, इसका कारनामे का नाम है कोप रीअरेंजमेंट। घबराइएगा मत, दिल थाम के बैठिए आराम से, ऐसा नहीं कि एकदम चौंक जाइए कि सर पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, यह पूरी एक सीरीज चल रही है, आने वाले समय में आपको पक्का गारंटी के साथ समझ में आएगी जब मैं आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री समझाऊंगा इसी चीज़ के बारे में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, क्या हो जाए, पॉजिटिव एच पॉजिटिव के साथ इसका प्रोटोनेशन हो जाए नाइट्रोजन का। अगर आप इसका प्रोटोनेशन कर पा रहे होंगे तो आपके पास जो तस्वीर चमकती हुई दिखाई दे रही होगी वह कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, एन आर और यहाँ पर एच और यहाँ पर पॉजिटिव। अब होता क्या है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव, तो पागल हो जाएगा, तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा। तो आपके पास जो अगली तस्वीर आएगी वो अगली तस्वीर कुछ इस तरीके से आ रही होगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी चीज एज इट इज। तो यहाँ पर ये एस थाई और यहाँ पर एन एच आर। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव इस एच के इस तरीके से यहाँ पर ये चला जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हमारे पास जो फॉर्मेशन हो जाएगा ये इस तरीके से, आप इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ताकि एरोमेटिसिटी गेन कर सके। यह जो मैं इलेक्ट्रॉन, यह जो एच है यहाँ भगा रहा हूँ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वह यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ताकि एरोमेटिसिटी वापस आ सके। और आपको पता है कि इनकी दुनिया में एरोमेटिसिटी नाम की चीज़ क्या होती है, इनके लिए कितना मायने रखती है। भले ही आपकी दुनिया में मायने ना रखे एरोमेटिसिटी नाम की चीज़, लेकिन इनकी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी दुनिया में एरोमेटिसिटी मतलब कि यार अमृत। क्या समझ पा रहे हो, अमृत। और कौन मतलब ऐसा इंसान है जो अमृत नहीं चाहता अपनी इस दुनिया में। यही पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यही पूरा फंडा है जो कि अभी तक हमने पूरा नाइट्रीन में पढ़ा है। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं पूरे नाइट्रीन को। पहली पॉइंट, नाइट्रीन होती क्या है, एनालॉगस टू कार्बीन। दूसरा की लेस स्टेबल देन कार्बीन ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खतरनाक अंग्रेजी आ रही है। तो फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, अगला पॉइंट हमारे पास यह आ रहा था कि हमने इसकी प्रिपरेशन को सीखा बहुत अच्छे से, जिसमें हमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को अच्छे से मैकेनिज्म, डिटेल्ड मैकेनिज्म, डिटेल्ड ओवरव्यू देखा। वहां पर हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है, इसको आप रट लीजिएगा। फिर अगला हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि हमारे पास दो तरह की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, जो आपको पता है स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको सिखाया। फिर हमने सीखा रिएक्शंस, तो रिएक्शंस सबसे पहले हमारे पास थी वुल्फ रिएजमेंट टाइप का कुछ ना कुछ हो रहा था, आइसोसेनेट की कुछ रिएक्शन सीखी हमने। फिर हमारे पास इंसर्शन इन एल्कीन सीखा और फिर हमारे पास इंसर्शन इन बेनजीन सीखा। तो ये हमारे पास पूरा नाइट्रिन की कहानी यहाँ पर एक लेक्चर में मैं खत्म करके आपके सामने जा रहा हूँ। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।